कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण दोबारा लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू की आशंका ने मुंबई करों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, इस बीच पीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि मुंबई कर यदि कड़ाई से कोरोना नियम का पालन करते हैं तो अभी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए या नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि मुंबई में जल्द ही कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। मुंबई में बड़े पैमाने पर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया जिसके कारण केस बढ़ने हैं। जी हां दोस्तों, बीएमसी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, मैरिज हॉल, समुद्र के किनारे चौपाटियों, लोकल ट्रेन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पिछले कुछ समय से काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। चिंता की बात यह है कि इन स्थानों पर जाने वाले लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है। अब हमने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही तेज़ कर दी है। सभी वार्ड ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि वह होटलों, रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब, मैरिज हॉल व अन्य स्थानों पर कार्रवाई करें। वहां जो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए मिले उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुंबई में पिछले दो दिनों में कई जगह कार्रवाई हुई है और सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने जो सर्वे किया है उसमें सामने आया है कि मुंबई में दोबारा कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हुई संख्या के लिए सिर्फ लोकल ट्रेन जिम्मेदार नहीं। आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू होने के बाद से उसके कारण कुछ मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन पूरी तरह उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।